40% महिला सीट की घोषणा को सफल बनाने में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका। परिचय क्या है? मैं चंद्रकला देवी पुष्कर, महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष। आगामी विधानसभा चुनाव के बाबत आपकी पार्टी किस प्रकार से जो है क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करने की कार्य कर रही है? अब आचार संहिता लागू है, आचार संहिता का सम्मान करते हुए राय वो कोर्ट का आदेश है, आचार संहिता का आदेश है, इसलिए अपना कम से कम 4-5 लोगों के द्वारा अपने संदेश को पहुंचाया जा रहा है और घर घर अपनी बात को कहा जा रहा है। आपकी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी का एक नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? किस प्रकार इन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा को चरितार्थ कर रही हैं? हमारी माननीय प्रियंका जी ने जो नारा दिया 40% का, उस पर खड़े उतरी और खड़े उतर करके इन महिलाओं को चुनाव लड़ाया और जहाँ वो महिला अच्छे खासे भागीदारी ग्राम प्रधानी भी नहीं लड़ सकती थी, लेकिन फिर भी उनको वो सम्मान वो इज्जत देते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश का हाथरस उन्नाव का कांड देखते हुए उनके दिल में दर्द जागा किसानों के लिए, इसलिए अपनी विचारों को रखी और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 40% का काम दी। जो पीड़ित वहाँ की जो बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है, हरकत हुई है, इनकी माँ को उन्होंने टिकट देकर क्या इन्होंने वो की है जो है? माँ की टिकट दे के इन्होंने ये ने दिखा दिया, जिस महिला के लिए न्याय नहीं मिल सकता था उसके लिए उन्होंने रात बिरात तो उसकी लाश को जला दिया गया और अपने बेटी को लाश भी नहीं देख पाई। और जो माँ, ऐसा कौन माँ होगा कि माँ या पिता अपने बेटी का लाश न दे पाए और उनको अर्थी न दे पाए, उनको अग्नि देना भी दे पाए, तो ऐसे जो नए औलाद होंगे वो सोचते होंगे। लेकिन हमारी प्रियंका जी ने बहुत अच्छा कदम उठाई और 40% का वो कष्ट को देखते हुए नए मतदाताओं को और इस आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी ताल ठोकने पर जो यहाँ पे बनारस में प्रत्याशियों की घोषणा की है पिंडरा और रोनिया विधानसभा से, अन्य विधानसभा सीट पे भी नहीं हुई है, युवा मतदाताओं को, महिलाओं को किस प्रकार आप जागरूक करना चाहती हैं मतदान के लिए? मतदान के लिए अपने बूथ पे जा कर के, घर घर मतदान केंद्रों पे जा कर के और जल्दी से जल्दी, जहाँ तक हम लोगों की उम्मीद है कि माननीय हमारी प्रियंका जी बहुत जल्दी महिलाओं का आरक्षण देते हुए, बनारस में भी महिला उतार रही हैं और हर कोई ऐसा विधानसभा या जिला नहीं है जिसमें महिला नहीं उतरी है या सुरक्षित नहीं है। मैं लड़की हूँ लड़ सकती। विधानसभा चुनाव में जीत का क्या मंत्र आप अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहती हैं? किस प्रकार जीत का मंत्र यही देना चाहती हूँ, उसमें कोई मंत्र नहीं है, जो सामने आगामी विधानसभा के द्वारा या प्रदेश के द्वारा दिखाई दे रहा है और जनता समझ रही है और जो बहन भी समझ रही है, भाई भी समझ रहे हैं, मेरे युवा भी समझ रहे हैं, इसमें कोई कहने की विचार नहीं है, उसमें देश समझ रहा है और हर जगह खदेड़े जा रहे हैं और सीधे महिला कांग्रेस का नाम आते हुए कि महिला 40% में, ऐसा नहीं है कि केवल महिला कांग्रेस लड़ रही है। बजट पर क्या बोलेंगी आप? कल की बजट जारी हुई है, कल के बजट पे यही बोलेंगे कि जो ने बजट लागू की है और इसका कोई सच्चाई और निराधार नहीं है, उनको बजट किसानों के लिए और किसानों को मुद्दे के लिए इन्हों को रखना चाहिए, जो किसान का संघर्ष। मिडिल क्लास के लोगों को क्या इसका फायदा मिलेगा बजट का? मिडिल क्लास के लोगों का क्या फायदा मिलेगा इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया। महंगाई पर इन्होंने क्या किया? महंगाई पर कुछ भी नहीं किया, जो इन लोगों ने वादा किया कि मैं 15 लाख अकाउंट में दूंगा और सारे अच्छे से अभियान बनाऊंगा, कहीं देखिए गौ मरा हुआ पड़े रहते हैं, गौ माता हमारे देश के धरोहर है, हमारी माँ है और इसलिए हम उस भगवान प्रति हम लोग पूछते हैं गौ माँ को, लेकिन कहीं गौशाले में भूखे मर रहे हैं, उनका वहाँ सेवा नहीं हो रहा, कहीं रोड पे घूम रहे हैं और जिसको 5 किलो अपने अनाज दे रहे हैं और 5 क्विंटल अनाज खा जा रहा है रात भर में, अब महिलाएं, पुरुष ही नहीं महिला भी अपने खेत को रखवारी कर रही हैं लाठी डंडे के साथ कर रही हैं और कभी जो है कि बेचारी साढ़ के द्वारा मारी भी जा रही हैं महिलाएं, बहनें या जो भी किसान भाई हैं। तो हम किसान के मुद्दों को लेते हुए और सारे मुद्दों को लेते हुए बोलना चाहती हूँ कि कम से कम नहीं कि जो प्रियंका जी ने मेरा 10 लाख का वादा की है कि मैंने स्वास्थ्य के लिए ये करूँगा, फ्री बस का सेवा करूँगा
और इसके बाद में फ्री सिलेंडर थाली ना 3 ठो दूंगा, और जितना बहनों के साथ हमारा जो है कि स्मार्टफोन दूंगा, और फिर इसके बाद में हम स्कूटी देंगे। सारे इनका वादा जो है कि घोषणा पत्र पे लिख दिया गया था, और फिर इनका जी ने अपनी जारी भी कर दी है, और उतना उतर नहीं है उनके, जरूर जल्द से जल्द करना है। लेकिन एक बात हम अपनी विचार से कहना चाहती हूँ कि हम मीडिया के माध्यम के द्वारा अपनी बात के पहुँचाना चाहती हूँ कि आज हम लोग 25 क्या 30 वर्षों से मेरी माँ ने इंदिरा जी के रीजन में चुनाव लड़ी थी, सुरक्षित रिजर्व सीट भदोही और आई विधानसभा है, और जिसमें 394 रिजर्व सीट है। तो हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात को आवाज़ को बुलंद करना चाहती हूँ कि मैंने 10 लाख रुपया खर्च कर चुकी हूँ अभी उस विधानसभा में, आया 10 साल हो गया हमको उस विधानसभा में लगे, और जरूर हमको उम्मीद है कि हमारी बहन प्रियंका जी जो 40% का नारा दी है और 40% के द्वारा जरूर मुझे लड़ाएंगी।